Hello friends, welcome to the channel Master of Insta. This is Vikas, and in today's video we are going to learn that how you can find clients on Instagram or through Instagram. So इस वीडियो के अंदर अभी हम सीखने वाले हैं कि क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है. देखिए ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी फ्रीलांसर्स हैं, जिनके पास कोई स्किल्स हैं, जिनको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं. आप बहुत से प्लेटफॉर्म से आप हो सकता है आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी कारण हो सकता है. तो बैठे रहने से काम नहीं चलता है, हमें खुद से क्लाइंट्स के लिए अप्रोच करना पड़ता है. बट वो स्ट्रेटजी जो है वो बहुतों को नहीं आती है. तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप क्लाइंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम का यूज़ करके. और इस वीडियो से आप ये लर्न करेंगे कि इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग कैसे अर्निंग भी कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास बहुत सी स्किल्स होंगी. मे बी आप लोगो डिज़ाइन करते होंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करते होंगे, एसईओ करते होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और बहुत से काम हैं. लाइक डाटा एंट्री करते होंगे, आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज करते होंगे या फिर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ करते होंगे, मार्केटिंग करते होंगे ऑनलाइन. बहुत से काम हैं. आपके पास शॉपिफाई स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे आप, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे आप. बहुत से ऐसे काम हैं. लेकिन क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं होते हैं, तो हम अपना काम कैसे करें. तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर देखिए मेरे आप इस पेज के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगा कि आप एक एग्ज़ाम्पल दूंगा और उसके बाद आप इसको सीख जाएंगे कि आप किसी भी फील्ड के अंदर आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं. सपोज़ अगर आपको कोई भी लोगो डिज़ाइन करना है किसी के क्लाइंट के लिए, या फिर ये भी मान के चल सकते हैं लाइक आप एक स्टोर ऑनलाइन स्टोर डिज़ाइन करना चाहते हैं किसी के लिए, या फिर आप किसी को प्रमोशन देना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन आपके पास क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं कि हम किसको प्रमोशन दें, या फिर आप कोई भी ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं बट आपके पास क्लाइंट्स नहीं हैं. तो देखिए, और या फिर आप हो सकता है प्रेजेंटेशन बना रहे हो किसी के लिए, बर्थडे वीडियो बना रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए अगर मे भी आपके पास क्लाइंट नहीं है तो उन्हें आप क्लाइंट कैसे ढूंढना है. तो बेसिकली एक सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, या तो आपके पास कोई एक बड़ा सा पेज हो, पेज क्रिएट करो. ठीक है, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो एक है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम पेज. इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करिए, उसके ऊपर टाइम टू टाइम आप अपलोड करिए, वहाँ पर जाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए और फिर अपलोड करिए. हैशटैग्स का यूज़ करिए, ताकि देखिए जैसे ये मैंने हैशटैग यूज़ किया हुआ है. अब अगर मान लो आपके पास आप सपोज़ आप एक स्लाइड शो बना रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक बर्थडे के लिए वीडियो बनाते हैं किसी के लिए, तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर किसी का हैप्पी बर्थडे है तो सर्च करना पड़ेगा. यहाँ पर टैग्स में जाके हैप्पी बर्थडे, ठीक है. अब यहाँ पे हैप्पी बर्थडे आ गया है. अब हैशटैग्स के थ्रू हमें यहाँ पे क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है, कि किसके लिए आप अप्रोच कैसे करेंगे. तो अब यहाँ पे मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, भाग मत जाइएगा वीडियो से, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको भी. अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने हैशटैग सर्च किया हैप्पी बर्थडे, एंड हमने रिसेंट फाइल्स के अंदर यहाँ पर आ गए कि जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं यहाँ पे आई होंगी. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मे बी ये खुद ही प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस. अब जैसे यहाँ पर एक ये डॉग है, यहाँ पे लिखा है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू मी, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट वेरी अमेजिंग वीडियो फॉर योर डॉग ऑन इट्स फर्स्ट बर्थडे यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और समथिंग लाइक आप पिच कर सकते हैं वहाँ पर अपनी सर्विस को. पिच करने का तरीका अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो तो आपको सीखना पड़ेगा. आपकी कौन सी लाइन्स हैं, उनको भी कैसे लिखना है, कमेंट करना है, और आपकी सर्विस अगर आप कहीं और से सर्विस दे रहे हैं तो उसकी लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर इनको यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप वीडियो बनाएंगे इस मतलब डॉग के लिए इसके बर्थडे पे, तो इसके बर्थडे के जो फर्स्ट वीडियो है जो आप बना देंगे स्लाइड शो वाला, ठीक है। तो ऐसे ही करके अब लाइक और भी यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि और भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब जैसे एक यहाँ पर होममेड इट्स माय बर्थडे टुडे, देखिए अभी हैप्पी बर्थडे से याद आया, यहाँ पे देख सकते हैं आप इतने सारे लोग हैं। आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, आपको इसे फाइंड करना है कि किसका बर्थडे है, किसने अपडेट किया है, मे बी वो आपके सर्विस ले लें, ठीक है। अब सपोज़ आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अब सर्च करो लोगो डिज़ाइन, अब हमने यहाँ पर एक हैशटैग सर्च किया था लोगो डिज़ाइनर, ठीक है, तो इसके रिसेंट फाइल में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तरीका जो है ये तरीका तब काम आएगा आपका जब आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट डालेंगे। अगर सपोज़ आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना जो भी एक सैम्पल होगा लोगो का वो अपलोड करो, उसके अंदर लोगो डिज़ाइनर वाले हैशटैग यूज़ करो। अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हो आप लोग, ठीक है, ये इतने सारे हैं लोगो डिज़ाइनर, इतने सारे हैशटैग्स हैं, तो इनके ऊपर जब आप जाओगे, ठीक है। तो अगर सपोज़ मैं क्लाइंट हूँ, मुझे लोगो एक डिज़ाइन करना है और मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए इंस्टाग्राम के थ्रू ही, तो मैंने अगर लोगो डिज़ाइनर पे क्लिक किया इस हैशटैग पे तो 4.5 मिलियन पोस्ट अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। और इसके अंदर रिसेंट फाइल्स के अंदर भी आप देख लोगे कि रिसेंट जो अपडेट आएगा इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिसने भी लोगो डिज़ाइनर वाली पोस्ट पे यूज़ किया है अपना हैशटैग तो उसका दिखा रहा है। ये कोई बंदा है मार्केटिंग बॉस .ad करके है, मुंबई सिटी से है जो भी हैं, और इन्होंने देखो ये लोगोस थोड़े बहुत डाले हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लो मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, किसी का लोगो मुझे पसंद आ गया तो मैं उसको वहाँ पे मैसेज कर दूँगा कि आई नीड अ लोगो फॉर माई अपकमिंग वेबसाइट और माई स्टोर समथिंग, किसी के लिए भी। तो वहाँ पर क्या होगा, एक ऑटोमेटिक आपके पास एक क्लाइंट्स आएगा। किसी तरीके में होता है, हमको क्लाइंट्स से अप्रोच करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहला वाला बताया, ठीक है। तो ये जो दो तरीके हैं ये बहुत अच्छा है। अब एक और तरीका है, सपोज़ ये लोगो डिज़ाइनर का है, ठीक है, यहाँ पर इसने अपडेट किया, ठीक है, ये लोगो सपोज़ ये लोगो डिज़ाइनर है, इसने कोई अपडेट किया और उसके ऊपर इतने कमेंट्स आए, ठीक है। इनके कमेंट के अंदर जाओ आप, बहुत से लोग होगा जो कमेंट कर रहे होंगे कि आई नीड अ लोगो, मुझे एक लोगो बनवाना है, या फिर ऐसा कुछ भी कमेंट कर रखा है। आप उनसे अप्रोच करो, आप उनको फॉलो करो, ठीक है, उनको कमेंट करो, उनको मैसेज करो, उनको अपने सैम्पल्स दिखाओ, और हो सकता है वो आपको ऑर्डर दे दें, वो आपको पेमेंट कर दें कि हाँ मुझे आपका लोगो आपसे डिज़ाइन करवाना है। और मे भी इसके बाद आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी जो है काम आगे से आने लगे, क्योंकि बाहर ऐसा होता है कि बाहर लोग पैसा नहीं देखते, उनको थोड़ा सा अगर इंडिया से सस्ते में काम लेके वहाँ पे उनका काम जल्दी हो जाता है तो वो पैसे देते हुए भी नहीं थकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। अब सपोज़ आप कुछ भी करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड हैशटैग्स पे जाइए, वहाँ पर अपने कंपटीटर्स को देखिए, उनके पेज पे जो लाइक आ रहे हैं उनको फॉलो करिए, मे भी आपके लिए क्लाइंट्स वहाँ से आ जाएँ, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे मैंने अपडेट कर दिए हैं। अगर आपको और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करना, और उसके बाद में हो सकता है इसके ऊपर एक नई वीडियो लेके आऊँ। तो ये इस वीडियो से आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि आप इंस्टाग्राम से कैसे क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर आप क्या करते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर सब तरह के लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर आइए, सर्च करिए, थोड़ा मेहनत करिए और अपना सर्विस दीजिए और अर्निंग करिए। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।